कल्प मेरे पर नहीं बिकेते, आज भी नहीं बिकेगे तो मैं क्या खाऊंगी और मेरे पोते को क्या खिलाऊंगी। कुछ तो बॉडी हो जाए तो मेरा भला हो जाता। वैसे भी मैं गरीब जाती हूँ और छोटी भी हूँ तो मेरा इसीलिए शायद मेरे फल नहीं बिकते। मैया इतनी भूख लग रही है, कुछ खाने को दो, कहाँ चले गए सब। अरे मैया एक केला तो दे दो। ओ, मैं केला तो जरूर देती हूँ, लेकिन इसका कुछ मूल्य दे दो तो मैं केला दे दूंगी। केले का क्या मूल्य होता है? ओ, इस संसार में सब चीज का मूल्य होता है, बिना कुछ दिए कोई चीज नहीं मिलती। पर मैं तो बालक हूँ, मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं आपको क्या दे सकता हूँ? ओ लल्ला, अंदर जाके देखो कोई तो होगा, पैसा थोड़ी वगैरह ले आओ और मैं केला दे दूंगी। नहीं, अंदर तो कोई नहीं है, पता नहीं सब लोग कहाँ चले गए। और कुछ अनाज ले आओ, वो भी चलेगा। अनाज क्या? ओ, तो धान भी, कुछ धान ले आओ, उससे मैं केला दे दूंगी। पर गोपियाँ तो मुझे ऐसे ही माखन दे देती हैं, कुछ भी नहीं मांगती हैं। वे कुछ तो लेती होगी। बस वो मुझे अपनी गोदी में प्यार से बैठा लेती हैं, मैं भी तुम्हारी गोदी में बैठ जाऊंगा। अरे मुझे केला दे दो, भूख लगी है। अरे लल्ला, मैं गरीब जाति की हूँ और छोटी जाति की भी हूँ, मैं आपको मेरी गोदी में नहीं बिठा सकती। और वैसे भी मुझे मेरे पोते का और मेरा पेट पालना है। छोटी जाति क्या होती है? लो, मैं तो तुम्हारी गोद में बैठ जाता हूँ, अब मुझे केला दे दो। अरे लल्ला, आप कितने मोहक हो, आपका नाम तो मोहन होना चाहिए था। फिर भी मैं विवश हूँ, मुझे कुछ तो चाहिए। ठीक है, मैं लेकर आता हूँ। लो मैया, अब केला दे दो। अच्छा बेटा, दे ले लो, और चाहिए? एक और दे दो। ओ, आज कुछ तो बिक गया और लगता है ओ मैंने सब केला तो दे दिया। इस टोकरी में क्या है? बहुत भारी लगती है, देखो इसमें क्या है। इसमें तो जवाहरात है, भगवान तेरी लीला आक्रम पार है, तुमने तो बहुत कुछ दे दिया। दो दो केले खा लिए पर माखन खाए बिना तो तृप्ति नहीं होती। चलो किसी गोपी के घर जाकर देता हूँ, शायद कोई माखन मिल जाए। लेकिन यहाँ क्यों? वो मेरा बछड़ा खो गया। बछड़ा खो गया? लेकिन तुम तो कुछ माखन खाए रहते,
नहीं मैं देख रहा था कि बछड़ा इसके अंदर तो नहीं है। जो मेरे हाथ में माखन लग गया उसको मैं चाट ही रहा था। हाँ अच्छा तो तुम्हें कैसे पता इसमें तुम्हारा बछड़ा है? मैंने देखा था उसको शायद वो। अच्छा तो मिला क्या? नहीं मिला तो नहीं है पर उसकी घंटी की आवाज मुझे सुनाई दे रही है। हाँ। तो शायद वो रस्ते में होगा, तुम चिंता नहीं करो मैं उसे देखने जा रहा हूँ। बलराम के छोटे भैया नंद बाबा यशोदा के लाला। हाय यशोदा, हाय रे मैया, तेरे छोरा ने तो मेरा मन ही मोह लिया। एक आन्हा बोले तो मेरा मन ही मोह लिया। खाली करके लीपे पोसने में तो सारो सामान बाहर आएगो। अब कोई मुझे मदद चाहिए, पैसे लेकर यहाँ अंदर तो नहीं कहाँ जाए कि अरे आज तो मैं बच गया, जान बच गई पर माखन नहीं खायो। अब देखता हूँ किसी गोपी के यहाँ शायद माखन मिल जाए। मैया लाला बड़े मुस्कुराए रहे हो, क्या बात है? देख हमें भी तो बताओ। अरे आए रिटायरने की कोशिश क्या चाहिए? अरे मैया छाछ दे दे। छाछ? छाछ को तो मूल्य पड़ेगा। मूल्य? छाछ का कहाँ मूल्य होता है, पर जिसे देखो आजकल सब चीज का मूल्य मांगता है। पर मैं तो बालक हूँ, मेरे पास तो कुछ नहीं है। अब बात ठीक है, तुम पतो है छाछ किलो ने कितो परिश्रम करने पड़ा था, तो छाछ को तो मूल पड़ेगा। तुम्हारे पास पैसा कौड़ी कुछ नहीं है तो कोई बात नहीं, तो हमारा काम थोड़ा करवा दो। तो क्या काम है? अरे ये सब परियां परियां सब बाहर सब चलो आए हो, इसको हमारे सर पे रखवा दो, मदद करो। तुम तुमको छाछ ऐसे ही दे देंगे, और जितनी बार टोकरी सर पे रखी हो उतना ही माखन के गोले तुमको खवाए देंगे। ओ तो ठीक है मैं करता हूँ, पर मेरे को तो गिनती तो आती नहीं है। ये कैसे पता चलेगा मैंने कितनी टोकरी उठा के तुम्हारे सर पे रखी है? तुमको गिनती आती है? गिनती तो मुँह पे भी ना आवे। मैं भी अकड़ हूँ, पर ऐसा करेंगे एक काम करेंगे, जितनी बार टोकरी रखाओगे सर पे उतनी बार कोयला से तुम्हारे हाथों पे लकीर बना देंगे, बाद में गिन के उतने ही माखन के गोले तुम्हें खबा देंगे। अच्छा ठीक है मैं करता हूँ। आओ लाला तनिक काचनी को संभाल ले। और मदद तो कराओ। झुको भाई है, दम लगाओ ना, दम का ना दम तो लगाओ। चलो ठीक है नाच के दिखाता हूँ। आओ हमारा गाना नाच।
ब्रजनी नाचत आज कन्हैया मैया कनक दही के कारण ब्रजनी नाचत आज कन्हैया मैया कनक दही के कारण कनक दही के कारण कनक दही के कारण काना नाचत नाच हजार ब्रज में नाचत आज कन्हैया काना कनक दही के कारण ब्रज में नाचत आज कन्हैया मैया